नवरात्रि के नवमी दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। उस दिन सभी व्रत रखने वाले श्रद्धालु फलहार छोड़ अन्न का सेवन करते हैं और व्रत का समापन होता है। रामनवमी के दिन से ही फलहारी व्रत रखने वाले श्रद्धालु अन्न खाना शुरू कर देते हैं। इसी को लेकर राज राजेश्वरी माँ भगवती रंग बिरंगे फूलों में दर्शन देती हैं। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को माना जाता है। उस दिन 9 दिन तक दुर्गा स्वरूपी माँ भगवती पर फलों का एवं खोवा मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और राम नवमी के दिन राज राजेश्वरी माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग के दर्शन कराए जाते हैं। रविवार की रात राज राजेश्वरी माँ भगवती मंदिर पर 9 दिन फलाहार का व्रत करने वाले भक्तों को अन्न खाने की प्रेरणा 56 भोग के दर्शन करा कर दी जाती है। रामनवमी के दिन राज राजेश्वरी माँ 56 भोग के दर्शन कराए गए, जिनके दर्शन करने को मंदिर पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा माँ भगवती मंदिर पर PAC पुलिस, महिला पुलिस एवं थाना पुलिस मौजूद रही। वहीं कस्बा प्रभारी मनिंदर सिंह सुरक्षा का जायजा लेते रहे। भगवती मंदिर पर ढोल और बैंड बाजों की मधुर धुन पर श्रद्धालु नाचते हुए माता का गुणगान कर रहे थे। भगवती मंडल द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रसाद का वितरण मां भगवती मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा था। भगवती मंडल के संजय उपाध्यक्ष, मफल सेठ गौरव खंडेलवाल आदि भक्तजन द्वारा 9 दिन तक विशेष मेहनत कर राज राजेश्वरी मंदिर पर विभिन्न प्रकार के बंगलों के दर्शन कराए और बंगला निर्माता विष्णु शर्मा द्वारा 9 दिन तक अलौकिक बंगले सजाए गए, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।